नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है? जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है? दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच यह भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, और अगर हम यह भूल जाएंगे तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नजरअंदाज करने तक, किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों के नजरों में बुरे माने जाने लगे, और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज्यादा अच्छा बन जाए, उस इंसान को दुख ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो चलिए, आज की इस बोध कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और यह भी जान लेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना ये थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता, और जब वह लोग उससे कहते हैं कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए, या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसे पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे, और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था, और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज
उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे ये पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए है और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? फिर वह उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे भाई। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकालकर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपनी अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा ई और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छा इसे हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी मां उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी मां की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी मां मेरा इतना ख्याल रखती हैं और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था, ये सोचकर कि उसकी मां उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी। वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था, उससे पहले बार जंगल में जान का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झाकियों के कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया
और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसमें मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वो तो मस्तमौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब से नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की माँ को यानी उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे को जानवर है, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपने माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते है वहां पर पहुंचा जहां पर वह ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है? ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है? ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखा रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहां से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहां से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था, उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उन्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने लगते हैं। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वो घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चले जाओ यहां से, बड़े आए खतरनाक, तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहां से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। ये कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झाकियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं, आप चाहें तो इसमें को दो मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ ही गई है, वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है और यह भी दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वह इस तरह के अपराध ना करे, कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर
जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी न पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर शेर कहता है, लोमड़ी क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर के बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे, यहां के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है, मेरे ख्याल में मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो, मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठाता भागता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपनी मां से आकर लिपट गया और मां से क्षमा मांगने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, आज के बाद मैं कभी भी उसे जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस व्यापारी को कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुहक देगा, लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगता है, तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं, बल्कि समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की वजह निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है, पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद और नमोह बुद्धाय।